हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोजी सती। आज मुझे वीडियो रे आपन को हेयर ऑयलिंग कले कौन कौन बेनिफिट्स मिलिबो कहबी। वीडियो भल लगे मो चैनल को सब्सक्राइब करबे, लाइक शेयर करबे एंड वीडियो एंड रे वीडियो केमती लागिला कमेंट निश्चय करबे। हेयर ऑयलिंग करबे आम कल्चर रे रहिछि, सब बेले आम को आम घर बड़ माने कहंती हेयर ऑयलिंग करिया पई आमे करू मंते हम बिफोर हेयर वॉश आफ्टर हेयर वॉश ऑयलिंग करू। बट एबे आम फैशन आउ स्टाइल रे आमे हेयर ऑयलिंग करिया भूली जाउछे। या द्वारा कौन हो आम हेयर बहुत डैमेज हो जाउछे। डैमेज को रिपेयर करिया पई आमे पालो जाउछे, सेती हेयर स्पा के ट्रीटमेंट एमती सब करछे। ए सब किंतु रेगुलर न कले हेयर आहुरी डैमेज होबार पॉसिबिलिटी रहिछि। एबे मो हेयर ऑयलिंग रा बेनिफिट्स विषय कहिया को चाहूँ, जोटा कि समस्ते जानवा दरकार एंड आपणकर जहाँ भी हेयर केयर रूटीन अच्छे से आड करवा दरकार। फर्स्ट ये कॉली हेयर को सॉफ्ट रखे, नॉर्मल हेयर टू अधिक जल्दी कॉली हेयर ड्राई हो जाए। ड्राए हेले बहुत फ्रिजी हो जाए, फ्रिजी कले मैनेज करी हुए नी। तो वीकली 3 टाइम्स आम कौन सी कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो किंबा आलमंड ऑयल हो, से ऑयलिंग करवा। ऑयल करने द्वारा ये फ्रिजी को रिमूव करे, कल से हेयर जहाँ भी थोड़ा को सॉफ्ट कर दब। हेयर को सब हाइड्रेट रहा दरकार, स्पेशली ड्राई हेयर। ड्राई हेयर जब हाइड्रेट न रहिबो हेयर फॉल बहुत हम। तो वीकली 3 टाइम्स आम ओवरनाइट, जमीक आम हेयर वॉश करवा पूर्व दिन राति ओवरनाइट आलमंड ऑयल हो किंबा ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल आम लगे कि रखा, तो ये भल रिजल्ट दब। ऑयल हेयर को बहुत भल नरीश करे। डिफरेंट डिफरेंट ऑयल डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स रही, जोटा कि आम हेयर पे निहाती दरकार। जमीक आलमंड ऑयल रे विटामिन बी के ई रही एंड ऑलिव ऑयल रे विटामिन बी 12 बी 6 बी 3 एंड के ई रही। हेयर को हेल्दी रखापी ए सब ऑयल रे सब प्रकार एसेंशियल विटामिन्स रही। हेयर ऑयल मसाज वन्स ए वीक इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर हेल्दी हेयर। ये आम स्किन को क्लीन रखे, डेड स्किन को रिमूव करे और हेयर को न्यू लाइफ दिए, हेयर फॉल को रिड्यूस करे और हेयर ग्रोथ पे भी ऑयल को सबुआड़े यूज करती। ऑयल लाइस आउ डैंड्रफ रिस्क को रिड्यूस करे। लाइस प्रायत ड्राई आउ फ्लेकी स्कैल्प बेसी हुए, जितेबाला डेड स्किन अधिक हो जाए तो लाइस हमार रिस्क भी बढ़ी जाए। ऑलिव ऑयल रे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रही, आम जो डेड स्किन गुड़ाक रिमूव कर दिए, लाइस हमार रिस्क को कमे दिए। डैंड्रफ सेमती स्वेटी आउ ड्राई स्कैल्प बेसी हुए, पॉल्यूशन जो हुए। कैस्टर ऑयल रे ऑलिव ऑयल मिसेकी लगे डैंड्रफ हमार रिस्क को कमे दिए। ऑयल रूट को स्ट्रेन दिए, रेगुलर ऑयल अप्लाई करे ए स्किन को रिपेयर करे, हार्मफुल टॉक्सिन्स हार्मफुल बैक्टीरिया को रिमूव करे और रूट को स्ट्रेन दिए। ऑयल बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन को रिड्यूस करे, जितेबाला एक्सेस मॉइस्चर हेयर हो जाए से सब इन्फेक्शन हुए। ऑलिव ऑयल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज अच्छे, जमीक मुझे आगर कही सारी रेगुलर जदि शैम्पो आउ ऑयलिंग करेंगे तो ये सब इन्फेक्शन रु दूर रहा हेयर। आज मुझे वीडियो रे हेयर ऑयलिंग विषय सबकि क्लीयरली कहीदेली। जदि आप हेयर ऑयलिंग करते बहुत भल कता, जदि न करेयर ऑयलिंग करवा स्टार्ट कर दिंतु। मो निज एक्सपीरियंस कहूँगी हेयर ऑयलिंग कले बहुत सारा बेनिफिट्स मिल, जल्दी स्टार्ट कले जल्दी भल बेनिफिट्स मिल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट टॉपिक सहित देखा हबा।